कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सकती है। इस संबंध में महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेतीवार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार रेड जोन से बाहर के जिलों में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में विचार विमर्श कर रही है और 4-5 दिन हालात का जायजा लेने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,122 नए मामले सामने आए। इन मामलों के सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 56,02,019 हो गई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 361 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 89,212 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमण से उबरने वालों की संख्या नए रोगियों की तुलना में अधिक रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिनभर में 42,320 लोगों को छुट्टी दी गई। राज्य में कोरोना से उबरने की दर 92.51% है, जबकि मृत्यु दर 1.59% पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 327,580 है। गजानन दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गजानन, रेड जोन से बाहर के जिलों में हटेगा लॉकडाउन, क्या कुछ खबरें आ रही हैं अंदर खाने से? महाराष्ट्र के कई जिलों से अब लॉकडाउन हटने की तैयारी शुरू हो गई है। कई जगह ऐसी भी है, चाहे वो पुणे हो, बारामती का क्षेत्र हो, या फिर मायानगरी मुंबई हो, नागपुर के भी इलाकों से ये चीजें तो उठकर सामने आई है। कोरोना वायरस के दूसरे वेव में आलोक जी, महाराष्ट्र ये समझ गया है कि शुरुआत में भले कोरोना ने मायानगरी मुंबई और नागपुर जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया था, लेकिन अब वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बह रहा है। अब दूसरी तरफ ये देखेंगे कि ये बैलेंस हो चुका है। महाराष्ट्र में जो कोविड 19 के आंकड़े थे वो लगभग, चाहे वो मेट्रोपोलिटन सिटी हो या फिर कोई गाँव खेड़ा हो, दोनों में आंकड़े लगभग एक जैसे निकल रहे हैं। ये भी चीज लोगों को समझ में आ गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की क्या मायने हैं, सरकार कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, उसका भी एक प्रत्यक्षीकरण पूरे देश ने भी देखा कि महाराष्ट्र ने किस तरह से कोरोना के फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव को हैंडल किया। लेकिन कई जगहों पर अब भी महाराष्ट्र के अस्पतालों में वैक्सीन को लेकर दिक्कतें जा रही हैं, जिसकी खातिर के वजह से लोग अब भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।